हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज कल तो आप सब बढ़िया होंगे और आज भी हम इनके घर पे हैं भाई। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन आवर लाइफ गाइस? रश्मि, हाउ आर यू? मस्त। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने वाले हैं और नाश्ते में आज देखो क्या बनाए, ब्रेड पकौड़ा। सुबह की शुरुआत हो चुकी है मस्त तला हुआ हेल्दी खाना खा के, जिससे हमारी सेहत को बहुत अच्छा महसूस होगा, हमारी बॉडी हमें शुक्रिया अदा करेगी। Yes. अच्छा किया तुम लोगों ने, सुबह सुबह राइड खाया आपने। यस। और देव, व्हाट आर यू डूइंग देव? देव क्या कर रहा है? कितना गेम खेलेगा भाई, जिंदगी का गेम हो जाएगा। गेम खेल खेल के, लेट्स हैव इट पायल, लेट्स टेस्ट इट। उच्च कोटि का बना है। उच्च प्रति का या उच्च कोटि का? ओके सही। चलो भाई, अपना ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। तो भाई, मैं नागपुर बेसिकली ऐसे आया था टाइम पास करने के लिए। मेरा कोई ऐसा घूमने फिरने का इसका कोई इंतजाम नहीं था, मतलब घूमने फिरने का कोई इरादा नहीं था ज़्यादा। जस्ट हवा चेंज हो जाएगी, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, रिलैक्स करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, बस इतना ही मेरा मोटिव था। यहाँ पे चल रही है चंपिया, पायल जी आ गए चंपी करवाने के लिए इधर। पहले मामी जी की हो गई, अभी देव की हो रही है, अभी मेरा नंबर है इसके बाद। और इनके पास एक स्पेशल ऑयल है, आदिवासी हेयर ऑयल जैसा, मेड बाय मामी। Yes. तो इससे रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट में पूछिए, हम नहीं बताएंगे। तो ऐसा सीन है आज। तो भाई हम कहीं नहीं जाने वाले आज, वैसे हमने सोचा था हम घर चले जाएंगे, बट अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रुकते हैं अभी एक दो दिन और, ऐसा लग रहा है मुझे। तो फिर अभी ऐसा लग रहा है टाइम पास करते थोड़ा और जाएंगे बाद में घर पर, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। तो पर ऐसा ही है अभी, डिसाइडेड नहीं। और यहाँ पे एक नीट एस्पिरेंट है जो पढ़ाई कर रहा है खतरनाक तरीके से। और इनकी जो मैडम है इनका नाम अलग ही है भाई कुछ, तो क्या नाम है रश्मि इन मैडम का? सिपाहुजा। सिपाहुजा, ये तो भाई मैंने पहली बार देखा ऐसा नाम, सिप। बायोलॉजी मतलब वो सीपिया होती है शेल्स। हाँ हाँ हाँ, वो होता है क्या? पर्ल्स, पर्ल्स। हाँ हाँ, उसका जो शेल होता है उसको सिप बोलते हैं क्या? मैं बोला भाई ये क्या नाम है। तो भाई मैंने थोड़ी देर ब्रेक ले लिया है, बैठ बैठ कर थक गया था, कमर दुख रही थी मेरी। तो भाई फिर से हम लोग जा रहे हैं अभी बैंक में, यहाँ से नज़दीकी है बैंक, एक 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 2 मिनट आने को लगते हैं, 2 मिनट जाने को, तो काम हो जाता है फटाक से। अभी देव गया है जेरोक्स निकालने के लिए इधर। रश्मि, आज होगा हमारा बैंक अकाउंट खुलेगा आज? मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है आज फिर से भेजेगी वो वापस। मुझे भी लगा, कल भी उसने ऐसा ही किया वो मैडम ने, चार बार बोला ये लाओ वो लाओ, और बाद में बोला ये नहीं है तुम्हारे पास। आज भी मुझे लगता है वैसा ही बोलेंगे। लगा दो भैया फॉर्म, आज भी इतनी भीड़ है भाई जितनी कल थी। ऑल थैंक्स टू लाड़की बहन योजना। यहाँ पे सभी मुख्यमंत्री जी की बहनें मौजूद है। रश्मि, आर यू लाड़की बहन? भाई आज तो लग रहा है काम हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स आ रही इधर आके। फॉर्म फिलअप, फिर से फॉर्म फिलअप करने को बोला एक। डन गाइज, बैंक अकाउंट खुल गया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। दो चक्कर लगाने के बाद फाइनली हमारा बैंक अकाउंट खुल गया है, और ये दोनों खुश हो गए। और मैंने इनको बोला है तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा आएगा सीधा 10% कट स्वप्निल यादव ब्लॉग्स के नाम पे आना चाहिए, बिकॉज कितना एफर्ट लिया मैंने तुम लोगों के। ठीक है, ओके। 10% यानी 100 रुपये आएगा तो इनको कितना देना है? 10 रुपये। 1000 आएंगे तो 100 देना है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए।
ये क्या ये नहीं है भाई, फिर तुम लोगों ने साधारण आदमी समझा क्या मुझे? फिर तो भाई तभी हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अभी गनु भाऊ क्रिकेट खेलने वाले हैं बच्चों के साथ। अब पवन भी चला गया। क्या है देव? शर्मा आ गया भाई, बॉलिंग के साफ होते भाई इधर। चाय टाइम दोस्तों, चाय पी लो। हाँ, शक्कर नहीं डाले? शक्कर लेके वाओ, चम्मच भी कंटेंट। रश्मि रश्मि तो दिन भर पढ़ती रहती है भाई, पढ़ पढ़ के वो पतली हो गई। लाइट तो लगा थोड़ा, अच्छा आएगा ना ब्लॉग। अब कैसा मजा आएगा। देव तू क्या है, चाय पर्सन और कॉफी पर्सन? कॉफी। यू? बट इतनी ज्यादा भी नहीं पीनी चाहिए कॉफी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह है तो वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे। ये लोग डेली रेशमी और देव जहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। चलो ये देव जल्दी, क्या कर रहे तू? देव को भी डाल देंगे उसके अंदर। लाइट की जरूरत नहीं है रश्मि, ठीक है? ये मोबाइल डाकू के जमाने का मोबाइल है, समझे? इसमें लाइट नहीं लगता भाई। अब तो डर ही लगने लगा है यहाँ पे जाने आने के लिए, ऐसा लगता है कहीं से भी सांप आ सकता है। दहशत का मौसम हो रखा है, देख ले पायल, दहशत का मौसम हो रखा है। इन्होंने तो सीधा इसके सामने ये लगा दिया, कंपाउंड ही लगा दिया, घास भी कट कर ली। उनको लगता है वो जंप करके आएगा। कुछ भी हो, क्या एनिमल है क्या, कौन सा भाई? ये साइकिल है ना, इतनी डिस्को है ना, इसको बाहर निकालते सबसे पहले हवा भरनी पड़ती। और हमारे साथ पायल वॉकिंग पे आ रही है, पर पायल बोल रही है मैं चल नहीं पाऊंगी, तो हमने बोला भाई साइकिल ले ले दो। और तुम दोनों सगे बहने लगते हो, ऐसा बोला है किसी ने। जाओ तो रश्मि उसके सामने है ही, तुम दोनों बहने तो हो, एक ही मेले में बिछड़ गए थे बचपन में। वाओ फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो जल्दी गाइस, आज कोजागिरी पूर्णिमा है दोस्तों, तो हम मसाला खरीदने जा रहे हैं। स्माइल गाइस, यो यो, बहुत दूर आ गए हम दोस्तों और हमें डर लग रहा है अब। 500 मीटर, 500 मीटर है या 100 मीटर नहीं होगा। तो यहाँ से थोड़ी दूर है ना एक मंदिर है, एक मंदिर में जाने वाले हम लोग, वहाँ पे जाके भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे। भाई पायल को निकालने हैं फोटोज, बीच रास्ते में खड़े रह के। आज कोजागिरी पूर्णिमा है भाई, तो देखो चांद कितना राउंड राउंड है आज, पूरा फुल मून है आज। तो भाई बहुत ज़्यादा दूर आ गए हम लोग, और ये इतनी हॉरर जगह है ना, मैंने पायल को चैलेंज दिया, मैं तुझे ना 3,000 रुपये दूंगा यहाँ से अकेले घर पे जाके दिखा। 3,000 नहीं, 3,00,000 बोला था आपने। 3,00,000 मेरे मुंह से निकल गया भाई, डबल कर दो, 6,000 रुपये देता हूँ मैं यहाँ से अकेले जाती हूँ। 6,000 ज़्यादा होते भाई, मैं तुम्हें दूंगा 3,001 रुपया। रश्मि आर यू अप फॉर दिस चैलेंज? मैं मेरे को दो ना, मेरे को दोनों है, पर ये वाइफ के लिए चैलेंज है, दोनों तो कर लेंगे भाई, इनको नहीं देना चाहता मैं। पहुंच गए दोस्तों हम मंदिर फाइनली। सबसे पहले हम जाएंगे तुलसीदास जी के मंदिर में, तुलसीदास जी के दर्शन कर लो दोस्तों। गणपति बप्पा भी है इधर, इधर श्री कृष्ण, यहाँ पे श्री राम जी है, यहाँ पे तुलसीदास जी है, यहाँ पे साईं बाबा है, और यहाँ पे राधा कृष्ण जी है, और
यहाँ पे है भगवान हनुमान। और यहाँ पे है गौ माता। हेलो, वाओ, भगवान शंकर। मंदिर काफी सुंदर है दोस्तों, दर्शन कर लो। और यहाँ पे है भगवान हनुमान जी का मंदिर। तुम लोग नहीं आ सकते ना अंदर। जय श्री राम। डिनर टाइम दोस्तों, मस्त खाना खा रहे हैं। और आज कोजागिरी पूर्णिमा, तो हम दूध भी गर्म करने वाले हैं, पर घर में ही करेंगे, है ना। Yes. बाहर तो नहीं जा सकते, बट छत पे जाएंगे पीने के लिए। की चलो भाई, कार्ड्स खेलेंगे आज। आज इन दोनों को हम बुरी तरीके से हराएंगे, इनको लाइफ टाइम का ट्रॉमा देंगे हम लोग। ट्रॉमा तो हमने दिया था परसों आपको, ठीक है, याद है। से मैंने पत्ते ठीक से पीसे। तो यार ये क्या दिखा दिया मैंने सब। एक ही कलर के पत्ते मेरे पास आ गए। सही में क्या पत्ते आए भाई मेरे पास। हमने दूध तो गर्म कर लिया है, अभी हम ऊपर जाने वाले छत के ऊपर, और फिर इन्हीं ग्लास में हम उसको पीने वाले हैं। रश्मि ग्लास लेके बैठ चुकी है। Let's go, let's go। पर देव का कॉल चल रहा है इम्पोर्टेंट, तो हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी वो पूजा करने के लिए चाहिए ऊपर। तो अभी हम टेरेस के ऊपर जाने वाले हैं, और जो दूध है ना गरम किया हुआ, उसको ऐसे उसके अंदर चांद की परछाई देखेंगे और पी लेंगे हम। शॉर्टकट कोजागिरी। भाई नीचे देखते जा, सांप वगैरह होता है। ठीक है, आज तो हम नीचे ही नहीं गए भाई घूमने के लिए। चलो रश्मि जाएंगे सांपों को मारने के लिए, हमें एक नागिन की जरूरत है। सॉरी यार रश्मि, सॉरी, गुस्सा पी लो तुम। तो भाई हम आ गए टेरेस पे, चांद के दर्शन हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारा दूध, इसमें चांद दिख रहा है क्या तुम लोगों को? दिख रहा है, देखा ना, ये देखो ऊपर का चांद। देखा वही पे सकता है। अभी चलो उसकी पूजा करो। जिसको दिखा वही पे सकता है। मुझे दिखा ना भाई। दिखा ना मुझे, मेरे को भी दिख गया। नहीं दिखा। मेरे को भी दिख गया, दिख गया मेरे को। बंद बंद बंद। ये देखो भाई चांद की परछाई दिख रही है तुम लोगों को? जब से तेरे नैना। चलो भाई लेट्स टेस्ट इट। कैसा बना है देव? मस्त है, मजेदार, मजा आ गया, परफेक्ट। ऑल क्रेडिट गोज टू मामी जी। थैंक यू। क्योंकि हमें दूध का मसाला नहीं मिला था, मामी जी ने घर पे बनाया मसाला और फिर वो दूध में डाल के उबाला मसाला। फिर सबने उसको टेस्ट करके रिव्यू दिया। अभी मैं भी देता हूँ। मैजिशियन बन गए दीव आज। हमारे सामने हमारे जेब में पत्ता डालता है और फिर निकाल के दिखाता है। देखो मेरे जेब में डाला है उसने भी। उसको निकाल। अरे इधर पीछे के पॉकेट में। ओह जादू। But if I lay down and I play dead and I stay